हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। मानसून पैलेस भारतीय इतिहास में अपनी खूबसूरती की वजह से एक अलग पहचान रखता है। इसका निर्माण कार्य महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे महाराणा सज्जन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस से पहाड़ियों, झीलों व प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखता है। ये पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। तो जानते हैं इस पैलेस से जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। मानसून पैलेस का समृद्ध इतिहास है, क्योंकि यह मेवाड़ राजवंश के 72वें शासक महाराणा सज्जन सिंह का घर था। इन्होंने राजपूतों के स्थापत्य कला के लिए इस महल का निर्माण किया था। इस महल का निर्माण लगभग 1884 के आसपास किया गया था। महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ राजवंश के 18वें शासक थे और 10 साल की छोटी अवधि के लिए उदयपुर का शासन संभाला था। सज्जन सिंह जब 15 वर्ष के थे तब इन्होंने शासन संभाला था। उसी दौरान उन्होंने इस महल की कल्पना की थी। ये महल मुख्य रूप से मानसून के बादलों को देखने के लिए बनवाया गया था, इसलिए ये महल मानसून पैलेस के रूप में लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा ने अपने पैतृक घर चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखने के लिए इस महल को अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर बनवाया था। इस महल की संरचना का कार्य महाराणा सज्जन सिंह ने स्वयं किया था। उन्होंने इस महल को 9 मंजिला खगोलीय केंद्र बनाने की योजना बनाई थी, जो मानसून के बादलों को ट्रैक करके मानसून के आगमन का पता लगाती। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु के साथ ये योजना रद्द हो गई। फिर इसके निर्माण की योजना उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने पूरी की। उन्होंने इस महल में एक झील का भी निर्माण करवाया, जिसका नाम फतेह सागर झील रखा गया, जिसे महल से देखा जा सकता था। इस महल का उपयोग शिकार लॉज के रूप में भी किया जाता था। मानसून महल को राजपूत स्थापत्य शैली को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे बुर्ज, टावरों और स्तंभों के साथ सजाया गया है, जो पत्तियों और फूलों के सुंदर रूप को दर्शाते हैं। इस महल के झरोखे और इमारतें अत्यधिक खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये सब बादलों में स्थित है। ये महल समुद्र तल से 944 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पहाड़ी की श्रृंखला के बासड़ा शिखर पर स्थित है। इस महल को वर्षा का जल संचयन करने के आधार पर भी बनाया गया था। वर्षा का जितना पानी इस महल पर गिरता है, लगभग सब संचित हो जाता था। इस महल के भूमिगत कुंड में 1,95,500 लीटर की भंडारण क्षमता थी। इस महल के चारों तरफ सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इस अभयारण्य में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियां देखने को मिल जाते हैं। उदयपुर शहर में स्थित अरावली की चोटियों पर इस महल को डूबते हुए सूरज के समय देखना एक अद्भुत एहसास होता है, इसलिए इस महल को मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। डूबते हुए सूरज को देखने के लिए यहाँ सैलानियों की बहुत भीड़ लगी होती है। अपनी अद्भुत खूबसूरती के कारण मानसून पैलेस विश्वविख्यात है, जिसके कारण इस पैलेस में कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवियों की शूटिंग भी हुई हैं। तो ये थी मानसून पैलेस से जुड़ी कई रोचक बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।